नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ एक खास टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का टॉपिक है फैक्ट्री। आपकी अपनी फैक्ट्री है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें टूटी रहती है। सड़कें टूटी होने का कारण फैक्ट्री के अंदर हैवी लोड की गाड़ियों का आना, सड़कों पर पानी जमा रहना, केमिकल जमा रहना, सीवरेज सिस्टम रुके रहना, इसके कारण हमेशा ही इंडस्ट्रियल एरिया में सीवरेज सिस्टम जाम रहने के कारण सड़क पर पानी आ जाता है। कुछ बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिसके कारण जब गाड़ियां उस एरिए से गुजरती है तो वहां की सड़कें टूट जाती है। जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नई सड़क बनाती है तो उसका लेवल ऊंचा कर देते हैं या सीवरेज सिस्टम डालते हैं तो सीवरेज सिस्टम ऊंचे करके डाल देते हैं और उसके कारण सड़क ऊंची कर बनाई जाती है। ऐसे में जिस व्यक्ति की फैक्ट्री रोड के लेवल से नीचे चली जाती है तो मेरा अपना ये मानना है कि उसके यहाँ वर्किंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा तकलीफ किनको आती है? जिनकी फैक्ट्री नॉर्थ फेसिंग होती है। आपके अपनी नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री रोड के लेवल से नीचे हो गई है तो आमतौर पर हर व्यक्ति अपनी पूरी फैक्ट्री का फर्श का लेवल ऊंचा ना करके सिर्फ आगे के भाग का लेवल ऊंचा कर लेते हैं ताकि बारिश का पानी फैक्ट्री के अंदर ना आए। ऐसे में आपकी अपनी नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री होने के कारण आपका नॉर्थ का भाग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक ऊंचा हो जाता है और पीछे की फैक्ट्री पूरी की पूरी नीचे रह जाती है। ऐसे में जब भी जिस भी फैक्ट्री का नॉर्थ का भाग ऊंचा हो जाता है, जिस व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री के अंदर जितना पैसा कमाया है वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी नॉर्थ का भाग ऊंचा हो जाता है तो पैसे आने के साधन कम हो जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, देनदारी बढ़ जाती है। ऐसे में आपका माल आपके अपने क्लाइंट के पास जा रहा है तो वहाँ से पेमेंट आने में दिक्कत हो जाती है। जिस व्यक्ति से आपके पास माल आता है, जिन क्लाइंट से आपके पास माल आता है, उनका पैसे की रिटर्न वापसी के लिए आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है और जहाँ से आपको अपनी पेमेंट लेनी होती है वो पैसा डिले होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके हाथ पैसे के मामले में टाइट हो जाता है। बैंक लोन है तो बैंक का दबाव भी बढ़ जाता है और जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो प्रॉपर्टी आपने इकट्ठी की है, यदि आप कंटिन्यू इसी फैक्ट्री में लगातार वर्किंग करते रहते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि जो आपने इस फैक्ट्री से जितनी प्रॉपर्टी खरीदी है या कहीं और से अपने व्यापार करके जो प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी की है वो प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे करके बिकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा उठाकर, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो वहाँ से पैसा उठाकर, यदि वो व्यक्ति इस लायक है कि उसको बैंक पैसा दे देता है तो वो बैंक से भी पैसा लेकर अपने बाहर की मार्केट का पैसा उतारने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके यहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है, आपकी सड़क ऊँची हो गई है और आपने अपनी फैक्ट्री का नॉर्थ का भाग ऊँचा कर लिया है और आपके यहाँ ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप अपनी इस फैक्ट्री को छोड़कर कहीं किराए पर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाएंगे तो कम से कम आपको आगे नुकसान नहीं होगा, या आप अपनी इस फैक्ट्री का पूरा फर्श का लेवल ऊंचा करें। ऐसा करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसी फैक्ट्री आपकी पहले चल रही थी वैसी ही फैक्ट्री आपकी दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी और सड़क बनने के कारण आपकी फैक्ट्री पहले से बेहतर जरूर चलेगी, लेकिन आपकी फैक्ट्री रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।